वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनश्वी और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं ब्यूटी DIY हेयर केयर सेल्फ केयर के रिलेटेड वीडियो लेके आती हूं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो ना तो आपको पता होगा कि मेरे हेयर कितने लॉन्ग थे और अब भी मेरे हेयर देखो कितने शॉर्ट है। लेकिन इसमें एक बहुत ही राज वाली बात है कि मैंने ये हेयर कट ना खुद से किए हुए है। तो कैसे खुद से आप कट कर सकते हो ऐसे लॉकडाउन में, यहाँ पे सब कुछ बाहर बंद है कोविड की वजह से। और एक और चीज, कोविड में ना आप अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान जरूर से रखना, क्योंकि ऐसी बीमारियां तो बहुत सी आते रहेंगी जाते रहेंगी, लेकिन हम हमारी फैमिली को नहीं भूल सकते हैं और उसी के साथ साथ इंसानियत को भी नहीं भूल सकते हैं। तो जरूर से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। और हम बात कर रहे थे हेयर कटिंग के बारे में। बाहर सलून्स बंद है लेकिन हमें तो हेयर कटिंग करना ही था, तो हमने घर पे खुद से किया है हेयर कटिंग। तो मैं जरूर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने अपना हेयर कटिंग खुद से कैसे किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होते हैं ना कि स्प्लिट एंड हो जाते हैं, कभी कभी अनइवन हेयर हो जाते हैं। उस टाइम पे ना आप अपना हेयर कटिंग खुद से कैसे कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है और एकदम परफेक्ट तरीके से भी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने हेयर कटिंग किस तरीके से किया है और उसका फाइनल लुक कैसा आता है। जो कि फाइनल लुक का तो इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि फाइनल लुक काफी ज्यादा एकदम से अच्छा वाला है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है ना तो कमेंट जरूर से करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पे आप मेरी नॉर्मली हेयर देख सकते हो, उसको हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अभी दो सेक्शन में डिवाइड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम बालों को एक इवन कट में कट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यू शेप में कट कर रही थी, यानी कि फ्रंट से थोड़े से शॉर्ट और बैक से थोड़े से बड़े, तो यू शेप में कट कर रही थी, इसीलिए मुझे एकदम कम्प्लीटली टू डिवाइडेशन चाहिए ताकि जो मेरा पीछे का यू शेप है वो परफेक्टली दिखे। तो इसके लिए हम लोग सेंटर टू सेंटर पॉइंट पे जाएंगे, दोनों साइड इक्वली डिवाइड करेंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, और हमारे हेयर में जो भी टिंगल्स है उसको सारी निकाल देंगे और स्प्रे बॉटल जो पानी की होती है उससे अच्छे से स्प्रे कर देंगे। अभी सबसे पहली बात, स्प्रे करके बालों को वेट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम हेयर कटिंग करते हैं या तो फिर हमारे हेयर वेट नहीं होते हैं, ड्राई होते हैं, तब उसमें थोड़ी सी फ्लफीनेस ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे मेरे हेयर आप देख सकते हो कि कर्ली टाइप के हैं। अगर कर्ली हेयर को देखा जाए ना तो उसकी हमें प्रॉपर कटिंग कहाँ से करनी है वो समझ में नहीं आता है। अगर बाल पानी से गीले होंगे तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन समझ में आएगा कि आप कहाँ पे कट कर रहे हो और कितना कटिंग होगा। तो इसीलिए बालों को ना पानी से एकदम से वेट करना बहुत ज़रूरी है। हेयर कटिंग करने के बाद, मतलब तुरंत ही जब हेयर वॉश करते हैं, सॉरी, उसके बाद हम तुरंत ही हेयर कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन एकदम से स्ट्रेट हो जाए, जब हमारा कोम हमारे हेयर में घूमे तो एकदम से स्ट्रेट हो जाए हमारे हेयर, उतना हमें पानी लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एकदम से टिंगल को कम्प्लीटली निकाल दिया है और उसके बाद मैं जैसे ही कोम स्प्रेड करती हूँ तो आप देख सकते हो मेरे हेयर एकदम से स्ट्रेट दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने बालों को गीला करना है। थोड़ा सा मुझे नीचे से अभी भी ड्राई लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा और पानी से गीला किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हेयर अनइवन कटिंग हो। तो अगर आपको भी अनइवन हेयर कटिंग नहीं चाहिए तो अच्छे से अपने बालों को गीला कीजिए। उसके बाद हमें चाहिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी रबर बैंड। आपके पास ये नहीं है तो वो प्लास्टिक की जो रबर बैंड आती है वो भी आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम कम्प्लीटली हेयर को टिंगल्स निकाल देंगे और 5 से 7 बार अच्छे से कोम हमारे हेयर में स्प्रेड करेंगे ताकि जो भी हमारे हेयर है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए। और एकदम स्ट्रेट होने के बाद जैसे हम दो चोटी बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें हमारे हेयर की दो चोटी बना देनी है जैसे कि मैंने बनाई है। उसमें देखो अभी अब हमको क्या करना है, हेयर को कान से पीछे ले जाना है, लेकिन एकदम से भी कान के पीछे नहीं ले जाना है, ऊपर से ओवर प्ले होके कान के पीछे ले जाना है और कान के एग्जैक्टली नीचे की साइड हमें हमारे बालों को रबर बैंड करना है ताकि जो हमारे हेयर की लेंथ है ना वो इक्वली डिवाइडेशन में रहे,
अभी भी मुझे थोड़े से ड्राई लग रहे थे, तो मेरे को और थोड़ा पानी लेके मुझे स्ट्रेट करने थे, तो मैंने थोड़े से किए हैं, देख सकते हो। आपको जब तक फील ना हो कि कंप्लीटली वेट है, तब तक आप अब पानी का यूज करो। तो बस मैं अच्छे तरीके से कॉम करने के बाद बालों को अच्छे से पिक करूंगी और उसमें रबर बैंड अप्लाई कर दूंगी, और दोनों साइड इक्वली रबर बैंड चाहिए। जो भी आप रबर बैंड लगा रहे हो उसको इक्वली जगह पे लगाना है, ताकि हेयर कटिंग थोड़ी सी भी अनइवन ना हो। अभी यहाँ पे मैं इस रबर बैंड को अप्लाई कर दूंगी, उसके बाद एक भी टिंगल्स मेरे हेयर में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हेयर की जो लेंथ है ना वो सही से रहनी चाहिए। इसकी वजह से अच्छे से रबर बैंड को फिट करने के बाद जहाँ पे मुझे कटिंग करना है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड मैं दूसरी रबर बैंड लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सेक्शन मिल जाए कि मुझे हेयर कटिंग कितने करने हैं। जो ऊपर की हमने रबर बैंड लगाई है वो हमारे बालों को अच्छे से स्टिक करके रखेगी, क्योंकि हमारे बाल ऊपर से हिले नहीं, और जो नीचे की रबर बैंड है वो हमें लेंथ देगी कि हमें कितना कटिंग करना है। तो जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की रबर बैंड लगाई है उससे नीचे का मुझे कटिंग करना है, और उससे ऊपर की जो लेंथ है ना वो मेरी स्ट्रेट रहेगी। दो रबर बैंड लगाने का मतलब ये है कि आपके बाल कहीं से भी हिल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर लगाने के बाद मैं नीचे पुश करूंगी, जो फ्लफीनेस है ना वो भी निकल जाएगी जब मैं उसे नीचे की साइड खींचूंगी। अभी देख सकते हो आप, मुझे इक्वली लेवल पे रबर बैंड को लाना है। तो आप हर एक रबर बैंड जब भी लगा रहे हो उसे इक्वली लेवल पे लगा रहे हो। उसके बाद मैं एक और रबर बैंड लूंगी पिंक कलर की, क्योंकि अगर मैं ग्रीन कलर की रबर बैंड से हेयर कटिंग करती हूँ तो वहां पे मुझे अनइवन अगर मेरे हेयर है तो मैं उसे सीधा करूंगी तो और शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सेक्शन को छोड़ के मैं कटिंग करूंगी, क्योंकि जब भी आप करते हो ना थोड़ा सा बाहर रख के करो, ताकि आपको फिनिशिंग के लिए थोड़ी सी जगह बच जाए। तो जो दो रबर बैंड ग्रीन और पिंक के बीच में है वो मेरी फिनिशिंग के लिए मैंने जगह छोड़ी है। तो बस थर्ड रबर बैंड को भी थोड़ा सा ऊपर लगाने के थोड़ा सा नीचे की साइड पुश कर लो, और इक्वली सेक्शन में देख लो कि इक्वल साइज पे है या नहीं। फिर से बालों को जहाँ पे आप कटिंग कर रहे हैं वो हेयर को एकदम से गीला कर लो, ताकि जब भी कटिंग हो एकदम परफेक्शन से हो। तो अभी देखो अजीब सा तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने कम्प्लीटली बालों को गीला कर दिया है। अभी भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैंने थोड़ी सी नीचे करके फिर से चेक किया कि परफेक्ट जगह पे है या नहीं। तो बस अब पिंक रबर बैंड जहाँ पे है वहां से मैं कटिंग करना शुरू करूंगी। तो यार मन तो नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत लंबे बाल थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हाँ अभी शॉर्ट हेयर चाहिए। तो बस यही था कि अभी बहुत टाइम से लॉन्ग हेयर में रख रही हूँ, तो मेरे को अभी शॉर्ट हेयर चाहिए, इसीलिए मैंने हेयर को कम्प्लीटली कटिंग कर दिया है। और आपको जैसी भी कैची आपको सही लगे ना, उस कैची से आप हेयर कटिंग कर दो। तो फर्स्ट सेक्शन को मैंने अच्छे से कटिंग कर दिया है और उसको एकदम से स्ट्रेट कटिंग किया है। तो देख सकते हो आपकी स्ट्रेट कटिंग क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे बाल एकदम से गीले हैं। अगर ड्राई हेयर होते ना तो वो अनइवन ही होते, जब भी मैं ओपन करती ना वो कम्प्लीटली अनइवन शेप में आ जाते। तो इसीलिए ना बालों को अच्छे से पानी से वेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्टेप को मिस बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड पे कट कर दिया है फाइनली, और उसे मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दूंगी जहाँ जहाँ पे थोड़े से बड़े लग रहे हैं, क्योंकि ओपन करने के बाद तो हम फिनिशिंग देने ही वाले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ना इस टाइम पे भी थोड़ा सा फिनिशिंग हो जाए तो अच्छा लगता है। तो अभी हम रबर बैंड पिंक जो है उसे निकाल देंगे, और हम लोग सारे रबर बैंड निकाल के देखेंगे कि एकदम परफेक्शन जगह पे कटिंग हुआ है या नहीं, इक्वली मतलब कटिंग हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि मेरे हेयर अभी भी नीचे से आपको थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, लाइक ऑल हेयर नहीं, लेकिन कोई कोई हेयर देखो अनइवन कटिंग है, वो हमें बड़ा कम्प्लीटली दिख जाता है जब हम कटिंग कर देते हैं उसके बाद। तो ये हेयर कब क्यों रह गए, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने ड्राई हेयर रखे होंगे वो ज्यादातर ऊपर की साइड होंगे, इसीलिए वो अनइवन है। तो अभी हम उसको परफेक्शन में लाएंगे। वो कैसे, तो कम्प्लीटली हम उसके पीछे की साइड पे पुश कर देंगे हमारे हेयर को, और इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि कहीं पे रह गया है या नहीं। अगर आपको नहीं लग रहा है तो कटिंग करने की कोई भी नीड नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी फिर से लग रहा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
तो मैंने फिर से टू सेक्शन में उसको डिवाइड कर दिया, और जहाँ पे देखो जो बड़े हेयर थे ना उसको टचअप देके मैं कटिंग कर रही हूँ, पूरा हेयर कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो कम्प्लीटली ऐसे वाइंड अप करके उसको हम टचअप करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी हेयर के जो छोटे छोटे भी हेयर अगर रह चुके हैं ना वो इसमें निकल जाएंगे। तो आपके जो हेयर है ना वो कम्प्लीटली यू शेप में हो जाएंगे। अगर आपको सिंपल अट्रैक्टिव कटिंग चाहिए तो आप ये कर सकते हो लॉकडाउन में, और आपके स्प्लिट एंड जो है वो सारे निकल जाएंगे। अगर आपको स्प्लिट एंड कटिंग करना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसको वीडियो अलग से डाल दूंगी। देखा ना कितना इजीली हमने हेयर कटिंग हमारे हेयर में कर दिया है। अगर आपको जरूरत पड़े ना तो टचिंग करवाने के लिए या तो फिर बहुत ज्यादा इमरजेंसी में ही घर से बाहर जाओ, अदरवाइज ऐसा कुछ करके ना अपने हेयर कटिंग खुद से घर पे आप कर सकते हो, और वो भी काफी ज्यादा आसान तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।